हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे? उम्मीद करते हैं बहुत बेहतर होंगे। सीबीएसई कंपार्ट एग्जाम कर जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, कल संडे का दिन पूरी दिन आप सब इंतजार करते रहे और पूरी तरह से यूं कह सकते हैं स्प्रिट के तौर से ये मैसेज फैलाया गया कि आज रिजल्ट निकलेगा प्रिंट मीडिया के द्वारा। जैसा आपको मैंने कल भी आपको बताया था कि रिजल्ट संडे को नहीं निकलता और 4 तारीख को आवन तो रिजल्ट निकलेगा ही नहीं। इसके पीछे रीजन यह था कि 7 से 8 दिन के अंदर अंदर इतने बड़े पैमाने पर रिजल्ट को तैयार कर पाना असंभव था। रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया कल संडे। आखिर क्या होगा, रिजल्ट कब डिक्लेयर किया जाएगा? आपकी पासिंग मार्क्स जो है वो आपको अच्छी तरह से पता है, लेकिन यहां पर एक अच्छी अपडेट मैं आपको दूंगा ग्रेस मार्क्स को लेकर। अगर आप पूरी तरह से अगर आप देख रहे होंगे ऑफिशियल वेबसाइट को खंगालो, कहीं भी ये बात नहीं बताया गया है कि रिजल्ट डिक्लेयर आपको 4 तारीख को या संडे को किया जाएगा। लेकिन मैंने इस चैनल पर आपको सबसे पहले और सही इंफॉर्मेशन आपको दिया था कि रिजल्ट जो है वो आपको 10 तारीख तक रिजल्ट डिक्लेयर होने की संभावना है, 10 से 15 के बीच। क्योंकि देखो यहां पर अभी क्या हो रहा है, सेशन भी बहुत लेट हो रहा है, एडमिशन होने में बहुत दिक्कत हो रहा है। अगर वो रिजल्ट हमारा लेट से आएगा तो वैसे रिजल्ट का क्या फायदा जब हम एडमिशन ही नहीं ले पाए। क्या आप इस बात में राजी है कि नहीं कि हाँ रिजल्ट को ज्यादा लेट नहीं करनी चाहिए? सीबीएसई इस विषय में भी सोच रही है, बहुत जल्द ही रिजल्ट आएगा, लेकिन 10 से 15 सितंबर से पहले रिजल्ट आपका डिक्लेयर होने का कोई चांस नहीं है। इसलिए थोड़ा सा इन सब बातों से, फेक न्यूज से, फेक बातों से प्लीज, एक लुभाने वाले जो आते हैं बोलते हैं हाँ रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, आज रिजल्ट 2 बजे आ जाएगा, आज 3 बजे आ जाएगा, इस तरह से आप अपने समय को ना बर्बाद करो, सही इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करो। क्योंकि सही इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ यहां इस चैनल पर, इस मलिक जिया सेंटर पे आपको मिलता है। क्योंकि मैंने जितने भी अपडेट आपको दिया है, मैं यही कोशिश करता हूं कि जब तक जानकारी ना हो तब तक आप तक डिलीवर ना करो। सो स्टूडेंट्स, रिजल्ट का डिक्लेयर आपको 10 से 15 के बीच होगा, अभी आपको और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन सीबीएसई अनएक्सपेक्टेड बोर्ड है, कभी भी रिजल्ट डिक्लेयर कर सकती है, ये हम सब अच्छी तरह जानते हैं। क्योंकि हमने कई बार देखा है रिजल्ट सोचा है कि अब अभी नहीं निकलेगा, आने वाले दिनों में निकलेगा, लेकिन उससे पहले रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन ये भी कहूंगा साथ कि 10 से 15 ही से पहले कोई रिजल्ट आने की संभावना नहीं है। 175 लाख बच्चों का पूरा डेटा है जिसको कंपार्ट में एग्जाम दिया, उन सभी का रिजल्ट 7 से 8 दिनों के अंदर के दरमियान में नहीं तैयार किया जा सकता है। सो गाइस, उम्मीद करते हैं आपको अपडेट सही लगा होगा। सो वीडियो को जरूर शेयर करो यार, सही इंफॉर्मेशन सिर्फ इसी चैनल पर मिलता है। फालतू के वीडियो तो काफी शेयर करते हो, खैर वो आपकी अपनी राय है, लेकिन यहां जो भी इंफॉर्मेशन दिया जाता है वो सही इंफॉर्मेशन दिया जाता है। वीडियो को लाइक एंड शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ और फिर मिलते हैं एक नए अपडेट और बहुत अच्छी अपडेट के साथ। ग्रेस मार्क्स के बारे में आपको बता दूं, 4 से 5 नंबर ग्रेस मार्क्स मिलता है और मैक्सिमम बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिला है, इसलिए आप सभी का रिजल्ट बहुत ही बेहतर आएगा। इसके लिए आप चिंता ना करें, आप आगे का प्लान करें। और आपको इसी के साथ में बता दूं कि एनसीईआरटी घर में इस चैनल पर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां से आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्लास 9 से लेकर 12 तक के सारे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल, सारी चीज आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। जब आपके एग्जाम के टाइम में आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होगा। सो गाइस, वीडियो को लाइक एंड शेयर करो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।